हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे भूतपूर्व सैनिकों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आई है और ये सभी जो प्री 2003 थाउजेंड थ्री रिटायरीज हैं जो भूतपूर्व सैनिक हैं जो प्री 2003 थाउजेंड थ्री पेंशनर्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जो तो लेटेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्री टू थाउजेंड थ्री पेंशनर्स के लिए ये अपडेट है और इसका ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गया है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों आज की जो एक खबर है वो है ई से रिलेटेड और ये ई सी एच एस से रिलेटेड खबर जो है आप देख सकते हैं ये है लाइव इसका लिंक जो कि ई सी एच एस की वेबसाइट पे भी है और इसमें जो है प्री टू थाउजेंड थ्री के लिए हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि प्री टू थाउजेंड थ्री जितने भी पेंशनर्स हैं एक्स सर्विस मैन हैं उनके पास जो है सिक्सटी टू भी सिक्सटी टू या थर्टी टू के भी ई सी एच एस कार्ड पड़े हुए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इस टाइम पे जो भी नए कार्ड इशू किए जा रहे हैं वो सिक्सटी फोर के बी कार्ड किए जा रहे हैं तो अब जो है सिक्सटी फोर के बी कार्ड को जो है जो प्री टू थाउजेंड थ्री ई सी एच एस मेम्बर्स हैं उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये ऑर्डर है और रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम प्री टू थाउजेंड थ्री मेम्बर्स हु आर इन पोजिशन ऑफ सिक्सटी टू या थर्टी टू के बी ई सी एच एस कार्ड आर बींग रिकॉर्डेड एट दिस एच क्यू नॉट बीड और ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि जो प्री टू थाउजेंड थ्री अट है उनको सिक्सटी फोर के बी कार्ड हैंड ओवर नहीं किया जा रहा था इसीलिए हैंड ओवर कैसे करना है उसका एक पूरा का पूरा प्रोसेस बनाया गया है इट इज़ अप्रिशिएटेड एट देर इज अ जेन्यून पॉसिबिलिटी वेरी रीज़न नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द एम आर ओ फॉर पेमेंट ऑफ ई सी एच एस वन टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन Who are in position of 64 32 KB ECHS card? In the view of the above, it is directed that necessary checks will continue to be exercised. जो normal checks जो भी आ, 64 KB card को पहली बात तो है कि 64 KB card handover किया जाएगा। लेकिन handover करने से पहले जो भी normal checks होंगे, जिसके base पे 64 KB card दिया था, वो किया जाएगा। और जो भी प्री टू थाउजेंड थ्री ई सी एच एस मेम्बर है हु इज़ इन पोजिशन ऑफ सिक्सटी टू या थर्टी टू के बी ई सी एच एस कार्ड इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस कॉपी ऑफ डिज़ायर्ड एम आर ओ ही शी विल बी हैंडेड ओवर द फोर के बी ई सी एच एस कार्ड अगर उनके पास एम आर ओ जो नहीं है उस केस में भी उनको जो है सिक्सटी फोर के बी ई सी एच एस कार्ड मिलेगा ऑन सबमिशन ऑफ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट उनको एक सेल्फ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और उसके बाद से जो है जो भी प्री टू थाउजेंड थ्री रिटायरीज हैं उनको ये सिक्सटी फोर के बी कार्ड का जो हैंड ओवर मिल जाएगा तो दोस्तों एक अच्छी खबर है जो कि प्री टू थाउजेंड थ्री भूतपूर्व सैनिकों के लिए पेंशनर्स के लिए है जहाँ पे उनको जो है स्ट्रगल कर रहे थे सिक्सटी फोर के बी कार्ड को लेने के लिए अब नियम आ चुके हैं आपको जो एक परफॉर्मर मिलेगा उसमें आपको सेल्फ अटैच करके देना है उसके बाद से आप ये सिक्सटी फोर के बी कार्ड ले सकते हैं दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पेंशनर्स के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों इसको खुद भी ज़रूर चेक करें कोई भी न्यूज़ आप देखते हैं इसको ज़रूर कन्फर्म करें उसके बाद ही अपना कोई डिसीज़न लें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो